पटना की वो कूच, यहाँ उनके पुराने साथी बैठे हैं, उनको मालूम है, वे भी उस समय मौजूद थे। पटना की वो कूच जबकि शासकों ने जयप्रकाश जी को मौत के घाट उतारने वाला हमला बोल दिया, और अगर नानाजी देशमुख न होते और वो वार नानाजी अपने शरीर पर न झेलते तो शायद जयप्रकाश जी नहीं बच पाते। और नानाजी का वो उस प्रकार की उनकी उनका कौशल्य, सामर्थ्य, साहस, समर्पण, सारे वार झेल दिए, नानाजी को अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन सिर्फ जयप्रकाश जी के जीवन को बचाने के लिए नानाजी ने अपने आप को झोंक दिया, इतना ही नहीं, राजनीतिक जीवन के सर्वोच्च काल में उन्होंने जयप्रकाश जी के विचारों को चरितार्थ करने के लिए राजनीति का मार्ग छोड़ा और गोंडा में जाकर के जय प्रभा नगर बनाया, जयप्रकाश नारायण और उनकी पत्नी प्रभा देवी के नाम से, और जय प्रभा नगर बना करके ग्रामोत्थान में अपना जीवन खपा दिया।